मुंडे पागल ने सारे गलां वड्डियां वट्टे लारे उम्र दी हौली हड़िए तू नी बच के रह। सो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू अनदर फ्रेश व्लॉग वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चलने वाले हैं रायबरेली प्रदर्शन। सो यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये है कुछ ड्रोन फुटेज जो आपके सामने यहां पर स्क्रीन पर है, और इस प्रकार से कुछ प्रदर्शनी रायबरेली की लगती है। तो काफी खूबसूरत सा मंजर और काफी खूबसूरत सा नजारा जो है आपको देखने को मिलता है, तो आप लोग पूरा एंजॉय करिए। तो प्रदर्शनी जो यहां पर लगती है वो लगभग पिछले 51 वर्षों से लगती है। अभी हम लोग कहां चल रहे हैं? लो आजादी का अमृत महोत्सव। हम लोग कहाँ पहुँचे? चलो हम लोग पहुँच चुके हैं प्रदर्शनी। देखो पीछे दिख रही है, उधर पीछे देखो। हाँ। उधर पीछे है, पीछे इसी जगह के ये वॉल दिख रही, दुकानें दिख रही है ना। हाँ। उसके पीछे साइड में सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये है प्रदर्शनी का एंट्रेंस, और यहाँ पर बहुत सारी दुकानें खाने पीने की बगल में यहाँ पर एंट्रेंस में दिख जाती है आपको। पर आपको मिठाइयों की दुकानें मिल जाएंगी। और रायबरेली में जो प्रदर्शनी लगती है, इसका बेसिकली मतलब ये है कि आपको साल में एक महीना जो है यहाँ पर प्रदर्शनी लगती है। और यहाँ पर जो दुकानें होती हैं वो बेसिकली यहाँ पर डेकोरेटेड होती हैं काफ़ी अच्छे से, और यहाँ पर एक मेले टाइप का माहौल बनता है, मंजर बनता है, कुछ ऐसा ही माहौल यहाँ पर होता है। अभी हम सब लोग यहाँ पर गुचिया वगैरह खा रहे हैं, और जो है यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं, तो अभी भी आगे चलेंगे, दिखाएंगे आपको सारी चीज़ें कैसा है, क्या है सब कुछ। पीछे जो आप पूरा देख रहे हैं यही है पूरा मंजर, यहाँ पर लगा हुआ है, आदमी लगे हुए हैं। कृपया वहाँ पे लगाइए, रोड पे बिल्कुल मत लगाए, अन्यथा गाड़ी की चालान कर दिया जाएगा। चार पहिया गाड़ी जो है रिफार्म क्लब के सामने मार्केट जो है आप वहाँ लगाए। अभी हमारे पीछे पूरा प्रदर्शनी देख पा रहे होंगे आप, ऐसा माहौल है। इधर देखना, इधर इधर अन्या, इधर देखो, मजे करो, मजे मजे। नहीं रुको रुको, अच्छा अच्छा नो no। मैं यहाँ पर आपको रायबरेली की जो प्रदर्शनी है इसका मैं थोड़ा सा आपको क्लोजर लुक दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, और आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या खूबसूरती यहाँ पर है। देख पा रहे होंगे यहाँ पर, यहाँ पर झूले वगैरह काफी अच्छे अच्छे आए हुए हैं, तो आप लोग एक बार यहाँ पर जरूर आइए, और एक बार प्रदर्शनी का मजा पूरी तरह से आप लोग जरूर लीजिए। यहाँ पर ये जो सारी लाइटें वगैरह हैं ये यहाँ पर पूरे दिन जैसा मंजर क्रिएट करती हैं, तो ये काफ़ी खूबसूरत लगता है इस समय देखने में। देख सकते हैं बच्चे जो है काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं झूले वगैरह में। देखिए यहाँ पर बच्चे जंप कर रहे थे, और ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर लिखा हुआ है आई लव रायबरेली, और इस झूले का आनंद तो आप लोग ज़रूर ही लीजिएगा, क्योंकि इस झूले में क्या होता है कि अगर आप एक बार झूलेंगे तो आपको कुछ अलग सा माहौल लगेगा, आपकी जो है धड़कनें थोड़ा रुकने लगेंगी, लेकिन आप लोग इन्जॉय बहुत ज़्यादा करेंगे। और मैं चलते हैं अभी आगे, दिखाते हैं पूरा जो है यहाँ पर। मैंने थोड़ा वाइड एंगल में शॉट लेने की कोशिश की थी, और यहाँ पर चूड़ी वगैरह मिल जाती है, और प्लस आई लव रायबरेली जो लिखा हुआ है ये तो काफ़ी ज़्यादा ही प्यारा लगता है। आप देख सकते हैं जो आपने पीछे देखा, जब मैं प्रसाद गुप्ता जी ने की थी तब से लेकर आज तक ये प्रदर्शनी जनता के लिए आकर्षण का केंद्र रहती है। विगत दो वर्षों से कोरोना महामारी के कारण इस प्रदर्शनी को स्थगित कर दिया गया था, फिर तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के अथक प्रयास से यहाँ पर आप एनजीओ के लिए दान कर सकते हैं। और एक बार मैं फिर से आपको
जो ये बच्चों वाला मंजर एक बार दिखा रहा हूँ यहाँ पर पानी वाला, मुझे प्यारा लगा। और ये झूला एक बार आप क्लोज से देख लीजिए, क्योंकि ये झूला जो है बहुत ज़्यादा प्यारा था। और हो रहे हैं सुबह रात के 9:30, अभी हम लोग पूरा घूम घूम रहे थे, उसके बाद अभी चलते हैं आगे, दिखाएंगे आपको सारी चीज़ें। और बोलू भैया के साथ में, बोलू भैया बच्चों वाली दुकान पर रुके हैं, खिलौने वाली पे, और कह रहे हैं झूले को देख लो पीछे, लग दिख रहा होगा।